हेलो एवरीवन, दिस इज 43 क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट केमिस्ट्री। द क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ डी मैनोज इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और क्या है, और क्या प्रेजेंट है इसमें, H2SO4 CuSO4 प्रेजेंट है, इसमें क्या बताना है हमें, डी मैनोज क्या रिएक्शन देगा, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ 1,2-diol बाय एसीटोन, जो 1,2-diol है वो एसीटोन प्रोटेक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 1,2-diol ऑफ द 2-hydroxyl ग्रुप मस्ट बी इन सिस ओरिएंटेशन, दो कहाँ चले जाते हैं, सिस ओरिएंटेशन में चले जाते हैं। हैंस ओनली एरोमेटिक OH ग्रुप रिमेन अनअफेक्टेड, रेस्ट आल OH विल फॉर्म 5-membered cyclic एसिटल एज थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप क्या होता है, अनफेक्ट है, और बाकी के जो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो 1 और 2-diol है यहाँ पे, ये क्या मिलके बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो 1 और 2 है, ये प्रोटेक्शन की एसीटोन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिस ओरिएंटेशन हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो OH है ये क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है, किसकी वजह से होता है, यहाँ पे ये कैसा OH है, एरोमेटिक OH है, जिसकी वजह से ये OH क्या होता है, अनअफेक्टेड हो जाता है। और जो बाकी के जो पांच OH है वो क्या बना लेते हैं, 5-membered रिंग बना लेते हैं, जो क्या होती है, एक साइक्लिक एसीटल हो जाती है। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए, ये 5-membered क्या है, साइक्लिक एसीटल है। यहाँ पे देखिए, ये 2 OH क्या बना लेते हैं आपस में बॉन्ड, ये 2 OH आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये ऑक्सीजन ऐसे ही रह जाती है और ये OH अनअफेक्टेड रह जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आंसर 3 हमारा क्या है, यहाँ पे सही आंसर है। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।